खाना खा लिया और साउथ इंडियन मील सिखाया एज यूजुअल, और अब हम जा रहे हैं अपनी होटल के टूवर्ड्स। सो होटल जो हमने बुक किया है ना, वो कंट्री इन बाय रेडिसन है और कुछ 6-7 किलोमीटर्स में आ जाएगा। तो फटाफट थोड़ा जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फ्रेशन अप होंगे एंड फिर घूमने निकलेंगे। सुमिवान एक्ट ट्रेन को देख के एक्साइटेड हो रहा, क्या हो गया? अच्छा उधर ट्रेन है, ट्रेन जा रहा है। अच्छा ऐसे आवाज करता, गिर गया जा। हाँ चला गया ट्रेन। सो हम इंफोसिस के एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। इंफोसिस के एरिया मतलब इंफोसिस इधर ही लोकेटेड है। सो जैसा कि देखिए आपको इस गेट पे भी दिखेगा, ये सारे इंफोसिस कैंपस की ही गेट है। मैं आपको दिखाती हूँ, एंड ये जो इंफोसिस का बड़ा सा कैंपस है ना मैसूर का, ये देखिए उसका गेट भी खूबसूरत सा बना हुआ है। मैसूर क्योंकि हेरिटेज सिटी है तो उसका मतलब ब्यूटीफुली डन है। मैसूर का बहुत खूबसूरत गेट है देखिए। सो ये जो जगह है ना, ओडन आउट इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ का, इसको भी हेबाल ही बोलते हैं। एक बैंगलोर में भी हेबाल है तो कंफ्यूज मत होना, मैसूर में भी एक हेबाल इंडस्ट्रियल एरिया है और इंफोसिस वहीं पे है और हमारी होटल भी आसपास यहीं पे है। सो ये कंट्री इन हमारी होटल इधर। और ये हम एंटर करते हुए देखते हैं कैसी है। ये तो एकदम इंफोसिस कैंपस के पास में है, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, लेट्स सी। ऑब्वियसली बाय रेडिसन है तो अच्छी होगी, ये तो एक्सपेक्टेड था। रेस्ट लेट्स सी। ओके सो बेसमेंट की तरफ हम जा रहे हैं और गाड़ी को फटाफट पार्क करेंगे और चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे। अपनी होटल पहुंच चुके हैं। दिस इज कंट्री इन बाय रेडिसन और मैं ना आपको मस्त वाला रूम से व्यू है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और एक रूम का व्यू देती हूँ मैं आपको। इस रूम नंबर 323 लगेज रख दिया और ये देखिए क्लोजेट आपको दिखाती हूँ मैं एक बार। वाओ, ये ऑलरेडी है, लॉकर यहाँ भी है एंड ऊपर में एक एक्स्ट्रा पिलो दे रखा है। यहाँ कुछ हैंगर्स हैं एंड वाओ आयरन का बोर्ड भी है विच इज अमेजिंग, बहुत मस्त है। ये देखिए ये हेडबोर्ड वगैरह है, किंग साइज बेड, यहाँ पे चेयर, इनफैक्ट इसको लॉन्चर बोल सकते हो, लॉन्चर चेयर दिया है, काफी बढ़िया सा है। वहां पे बैठ के चाय पीने में बहुत मजा आएगा। ये जगह तो बुक हो गया मेरे लिए। आपकी वर्किंग डेस्क इन केस ऑफिस का काम एंड ऑल यू कैन डू दैट। एक मस्त वाली लैंप लगा रखी है एंड ये मस्त सा मिरर जो कि अमेजिंग है। टेबल अच्छी खासी बड़ी है और मैं आपको एक बाहर का व्यू देती हूँ रूम से। देखिए वो दूर में मैं आपको ना जूम करके दिखाती हूँ, पहाड़ पे ना चामुंडी माता का मंदिर भी दिख रहा है। सो दैट इज नोन एज चामुंडी बेट्टा एंड माँ का मंदिर वहीं पे है। और देखिए दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द व्यू फ्रॉम द रूम इज। यहाँ हमारे पास में भी एक मंदिर है and here comes the mirror, मस्त वाला मिरर है। लुक सी इट्स कम्प्लीटली बड़ा सा है, पूरे डोर पे है। विल क्विकली गेट इनसाइड एंड विल सी। वाओ मस्त वाला वॉशरूम है, अमेजिंग है ना। यहाँ पे सामने में एक और छोटी मिरर, हेयर ड्रायर दे रखा है, सो ठीक ठाक क्लीन है। कॉर्नर में वॉशरूम, मस्त वाली जगह है।
हम दो रिलैक्स करेंगे एक घंटा और उसके बाद फिर कहीं घूमने निकलेंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम जा रहे हैं वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन इज अ ब्यूटिफुल लोकेशन, बहुत खूबसूरत सी जगह है और इसका प्रूफ ये है कि वहाँ 90s के बहुत सारे गानों की शूटिंग होती थी, तो बॉलीवुड के ना, जैसे कि स्पेशली मैंने दो गाने नोटिस किए हैं, एक तो इसका सड़क का तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है और दूसरा राजा हिंदुस्तानी का था कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया है ना, ये दोनों गाने तो मेरे नोटिस में पक्के से आए हैं और बाकी और भी बहुत सारे मूवीज की शूटिंग हुई है। तो चलिए फटाफट आज आपको वही जगह घुमाने वाली हूँ, थोड़ा 90s की मेमोरी को ना चेरिश करते हैं। Here it is. Welcome to Vrindavan Garden. वो वहां से ही डैम ओपन होता है। सो मस वाली हम जा रहे हैं और देखिए काफी सारे लोग हैं, अमेजिंग सा वेदर है, मौसम सेटल हो चुका है, अच्छा लग रहा है ना? सी एंड डैम के टूवर्ड्स वॉक कर रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, तो चलिए फटाफट मज़े उठाते हैं, जाते हैं, देखते हैं, अंदर एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाएंगे हाउ इट लुक्स लाइक। वाओ यार, स्काई का एक शॉट तो देखो कितना अमेजिंग दिख रहा है, इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल, लुक एट दिस, द स्काई, द सन एंड द डैम। सो विवान गॉट हिज कार ऑटो। चलो ये वो एंट्रेंस है जहाँ से हमें अंदर जाना है, पर उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जबरदस्त वाली भीड़ है, पर ठीक है यार, ये प्लेस इज लाइक वर्थ द विजिट, तो इतना मेहनत करना तो यू नो इतना मेहनत करना बनता है, इतना खूबसूरत सा जगह है। Hey, say hi. So these are bunch of kids, इन्होंने आकर पूछा मेरे चैनल का नाम तो मैंने बताया, and it feels good to be around them. So घूम लिए हो या घूमना बाकी है? घूमना बाकी है। अभी टिकट में लगे हुए हैं सब? Okay, okay. ठीक है, चलो enjoy, bye. Bye. एंट्री पूरी सिक्योरिटी के साथ, अभी ना मास्क के जाने नहीं दे रहे हैं और कुछ देर में टिकट काउंटर भी बंद हो जाएगी। सो देखिए ये अमेजिंग सा ब्यूटीफुल सा स्पेस है, काफी सारे लोग हैं यार, फाउंटेन तो अभी नॉर्मली व्हाइट कलर में ही दिख रही है। सो ये देखिए, ये एक व्यू देती हूँ मैं आपको, एंड इतना खूबसूरत दिख रहा है यार, लाइटिंग के साथ क्या दिखेगा। और ये देखिए, ये बीच में कुछ दूर नदी है, वहाँ बोटिंग हो रही है, एंड सामने में भी फाउंटेन है, अभी कलर्स नहीं दिख रहे, लाइटिंग नहीं दिख रही, After some time, I'm sure lighting will be starting off. See, कितना खूबसूरत दिख रहा है वो फाउंटेन, उसकी पानी यहाँ तक आ रही है, how amazing it looks like, see, है ना beautiful, and ये देखिए यहाँ से ये फाउंटेन, लाइटिंग के साथ यार ये जगह जो है ना काफ़ी ब्यूटिफुल दिखेंगे। ये देखिए ये पानी कितना खूबसूरत दिख रहा है, सी यार इस पार्क को देख के ना मुझे जमशेदपुर की जुबली पार्क भी मेरी याद आ जाती है, इसी का मिनिएचर एक्चुअली वहाँ पे बना रखा है, एंड ऑलमोस्ट मतलब इतना बड़ा नहीं है बट ब्यूटी वाइज उसमें भी कोई कमी नहीं है। सो अमेजिंग लग रही है यार, ये जगह काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ना? चलिए आपको और अच्छे अच्छे गार्डन एरिया वाले व्यूज देती हूँ। ये देखो मस्त वाली फाउंटेन, देखो
रात ऑलमोस्ट होने वाली है एंड म्यूजिकल फाउंटेन प्लस लाइटिंग की वेट कर रहे हैं. सैटरडे संडे को स्पेशली थोड़े लॉन्ग आवर्स के लिए होता है. एंड हियर इज द क्यू फॉर बोटिंग. ओएमजी काफी सारे लोग हैं क्यू में. सो हियर इट गोज. लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड देखिए डैम के वॉल पे मल्टीपल कलर्स दिखने लगे हैं. I'm just waiting for the fountain ka lighting to be started. Look at the view. Wow. And look at this side. इधर का व्यू भी कुछ खास कम नहीं है. मस्त है. बैक वाटर्स जैसा है. सो बहुत अमेजिंग दिख रही है. देखो कितना ब्यूटिफुल दिख रहा है. जैसे जैसे लाइट्स ऑन हो रहे ना इसकी ब्यूटी काफ़ी बढ़ रही है. यार ये देखो जैसे जैसे इवनिंग हो रही है ना इतनी खूबसूरत दिख रही है ये डैम की लाइटिंग. वाव लुक्स फैब्यूलस. देखो मैं एक ओवरव्यू देती हूँ आपको इस जगह का. मस्त दिख रहा है ना. तो फाउंटेन में लाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है. यार पता है सबसे मस्त वाली बात क्या लग रही है. इतनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ और वेदर अमेजिंग हो रखा है. काफ़ी ठंड ठंड क्योंकि शायद से यहाँ पे पूरा फाउंटेन वगैरह है ना तो उसके वजह से वो जो पानी के छींटें आ रही हैं. इट्स वेरी कोल्ड एंड ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग. फील सो गुड टू बी हियर. तो यहाँ पे ये काफ़ी हैवी सा फॉल है. आप इसकी आवाज़ का तकाजा लगा पा रहे होंगे. और यहाँ पे महादेव को भी स्थापित कर रखा है. वाव दिस इज ब्यूटिफुल. देख रहे हैं. सो इट्स ऑलमोस्ट डार्क नाउ और ये वो जगह है जहाँ म्यूजिकल फाउंटेन स्टार्ट होगी. तो काफ़ी सारे लोग देखो एम्फी थिएटर जैसा बना रखा है. सो मैनी पीपल आर सिटिंग अराउंड जस्ट टू सी द म्यूजिकल फाउंटेन. और ना मैं जिस जगह पे हूँ मैं वहाँ से आपको एक मस्त वाला व्यू देती हूँ. यहाँ से पूरा गार्डन बहुत अमेजिंग. सो सी जस्ट लुक एट दिस व्यू. इट्स ब्यूटिफुल. सो ये म्यूजिकल फाउंटेन चल रही है. सी वाओ
डांसिंग फाउंटेन इज डन, गार्डन है। मैं बस एक बात बोलूँगी, है ना, अगर यहाँ विजिट करना है एक तो लेट इवनिंग आना ही आना। लाइटिंग के वजह से ना मेरी शक्ल ग्रीन ग्रीन दिख रही है। मज़ा आ गया यार, ये जगह है ना वॉन्डर है। देखो मेरे बैकग्राउंड में कितनी ब्यूटीफुल लाइटिंग हो रखी है, सब कुछ एक कॉर्नर अमेजिंग है। इतना क्राउड होने के बाद भी जो मज़ा आया है ना इस जगह पे, दैट इज़ अनमैचेबल। बहुत ही खूबसूरत बोटिंग के लिए है, इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिस इज़ इट। एंड क्यू है, काफ़ी क्यू है अभी भी, तो लोग वेट कर रहे हैं। यार इस जगह को ना छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा, इतना सुंदर लग रहा है ना ये पूरा, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, लग रहा कैप्चर करती रहूँ। वाव यार, लुक एट दिस, इतना शार्प है, सो ज़्यादा पानी है इस जगह पे, देख रहे हो। यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, तो इनकेस अगर आपको घूमने के बाद, जो कि काइंड ऑफ यू नो खुद में एक्सरसाइज वाली बात है, सो घूमने के बाद ना अगर कुछ खाने का मन करे तो विद इन कैंपस भी आपको सारे तरह की जगह मिल जाएगी। अच्छा खासा मार्केट है अंदर। यार मज़ा आ गया आज डांसिंग फाउंटेन देख के। पता है वो जो एक दो तीन गाने पे चलाया ना, वो तेजाब का गाना था माधुरी दीक्षित जी का, अमेजिंग था, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था और गाना बहुत सूट कर रहा था उस समय पे। तो हम जा रहे हैं अपनी होटल वापस, फटाफट डिनर करेंगे और मस्त वाली स्लीप लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, एंड गुड नाइट एवरीवन।